नमस्कार साथियों, मैं यामिनी कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ ज्ञान वेदा द लर्निंग पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे दिसंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी हमारा ज्ञान वेदा का ऐप भी है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहाँ जाके आप हमारा फुल कोर्सेज भी ले सकते हैं, साथ ही साथ PDF और हैंड नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी श्रीमती हीराबेन का निधन हो गया है। इस दुखद समय में हम हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की माता को श्रद्धांजलि प्रदान करते हैं और ईश्वर जो है उनको स्वर्ग प्रदान करे। इस दुखद समय में हम और हमारा पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में खड़े हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। Which country's first private launch pad has been set up by Agnikul Cosmet Sriharikota? तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? ये इंडिया के द्वारा जो है फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड किया गया है। सेबी गिव्स नॉट टू हुम एज अ MD एंड CEO ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? तो किसको जो है दिया है? ये दिया है सुंदरम रामानूर्थी। किसको? सुंदरम रामानूर्थी को दिया है। टेड्रो ओबियंग मेबेसोग हैज बीन रिलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो किस कंट्री के रिलेक्टेड हुए हैं? तो ये हुए हैं इक्वेटोरियल गुनिया, इक्वेटोरियल गुनिया के। प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री विल बी द चीफ गेस्ट एज रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन इंडिया 2023? तो 2023 के अंदर रिपब्लिक डे पे कौन से प्रेसिडेंट जो है हमारे यहाँ पे आने वाले हैं एज अ चीफ गेस्ट? तो वो इजिप्ट के आने वाले, कौन से? इजिप्ट के कंट्री के PM आने वाले हैं, चीफ गेस्ट आने वाले। रिसर्च डिस्कवरीड फर्स्ट न्यू स्पीसीज ब्लैक कोरल कोस्ट इन द ग्रेट बैरियर कोरल रीफ कोस्ट ऑफ विच कंट्री? तो ये ऑस्ट्रेलिया के कंट्री के डिस्कवर्ड किया है। और हाल ही में जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये जो ग्रेट बैरियर है यूनेस्को ने जो है इसको डेंजर के अंदर घोषित किया। किसके अंदर? डेंजर के अंदर जो है इस साइट को डेंजर के अंदर हाल ही में डाला गया है, इसको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है कहाँ आयोजन हुआ है? ये हुआ है नागालैंड में। कहाँ? नागालैंड में। और जो हॉर्नबिल जो है ये एनिमल है वो स्टेट एनिमल है किसका? नागालैंड का स्टेट एनिमल भी कौन है? हॉर्नबिल। स्टेट एनिमल की बात करते हैं तो ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 नवंबर को। 25 नवंबर का ये 27 नवंबर को मनाया जाता है। कौन सा? नेशनल डोनेशन डे। विच स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट प्रशांत जोशी एज इज ब्रांड एम्बेसडर? तो प्रशांत जोशी को कहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। टू वॉल्केनिक इरप्शन इन कामाचत्का पेनिनसुला साइबेरिया रीजन इरप्टेड इन विच कंट्री? तो कहाँ पे ये इरप्ट हुआ है? तो ये हुआ है रशिया के अंदर। कहाँ पे? रशिया के अंदर हाल ही में ये वॉल्केनो इरप्ट हुआ है। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड इन विच स्टेट? तो कहाँ पे 53rd इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ? तो ये हुआ है गोवा के अंदर। कहाँ हुआ है? हाल ही में गोवा के अंदर 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है। और हाल ही में जो है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहाँ हुआ है? ये इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ है न्यू दिल्ली में। कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंडिया अज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ यूनेस्को फॉर विच मंथ? तो 2022 में जो है दिसंबर में इंडिया ने अज्यूम किया है। कब किया है? दिसंबर में अज्यूम किया है। द T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर द बिलियन इज टू बी हेल्ड इन विच कंट्री? तो कहाँ पे ये ब्लाइंड के लिए ये हुआ है? तो ये हुआ है इंडिया के द्वारा जो ये क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ है ब्लाइंड के लिए। 48,500 ईयर ओल्ड जॉम्बी वायरस डिस्कवर्ड द बॉटम फ्रोजन लेक इन विच कंट्री? तो ये जो है रशिया के अंदर जो है हाल ही में इसको जो है किया गया है प्रशिक्षण या फिर इसको खोजा गया है। विच स्टेट ग्रीन स्टार्टअप ट्री टैग रिसीव द अवार्ड इन 2022 क्लाइमेथॉन में? ट्री टैग किसको मिला है? तो ये मिला है केरला गवर्नमेंट को। किसको? केरला को जो है वो ट्री टैग ग्रीन स्टार्टअप को हाल ही में अवार्ड मिला है। फिर हम बात करते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है?
तो वन स्कीम वन डिस्ट्रिक्ट और वन स्कीम उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई, किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा हाल ही में ये स्कीम लॉन्च की गई है। विच वॉज इट्स रैंक ऑफ मुंबई इन द गोल्डन प्राइम सिटीज इंडेक्स नाइट फ्रैंक, तो मुंबई को किस रैंक पे डाला गया है, तो ये 22nd की रैंक पे जो है रखा गया है। नाइट फ्रैंक के द्वारा ये इंडेक्स निकाला जाता है, किसके द्वारा, नाइट फ्रैंक के द्वारा। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 कमीशन इन विच सिटी, तो ये कहाँ पे किया गया है, इसका प्रेसिजन चेन्नई के अंदर किया गया है, कहाँ पे, चेन्नई के अंदर इसका किया गया है। इलेक्शन कमीशन सेटअप पोलिंग बूथ फॉर सिंगल वोटर इन विच स्टेट, तो कहाँ पे सिंगल ये बूथ जो है वोटर, सिंगल वोटर कहाँ पे किया गया है, बूथ ये लगाया गया है गुजरात के अंदर, कहाँ पे, गुजरात के अंदर पोलिंग स्टेशन लगाया गया है। श्री रविशंकर हैज रिसीव द एमएससी ऑफ पीस अवार्ड इन विच कंट्री, तो एमएससी अवार्ड कहाँ पे इनको मिला है, तो यूएसए के अंदर इनको एमएससी अवार्ड मिला है, किसको, तो श्री रविशंकर जी को मिला है। इंडिया इज टू अज्यूम चेयरमैनशिप ऑफ वासीनारा अरेंजमेंट ऑन विच डेट, तो किस डेट पे वासीनारा अरेंजमेंट अज्यूम करेगा, तो 1 जनवरी 2023 को जो है ये वासीनारा जो एग्रीमेंट को चेयरमैनशिप मतलब यहाँ पे साइन करेगा। हु वॉन 2WC टाइटल डिफीटिंग थाईलैंड थैनकोच पैनल इन कोलंबिया, तो यहाँ पे किस कंट्री के जाए, उर्वशी सिंह के द्वारा ये WBC में दो बार जो है इसको डिफीट किया गया है थाईलैंड को। Which state passed a bill to make anti-conversion law more stringent jail terms, यहाँ पे उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, इसके द्वारा क्या लगाया है, जो भी anti-conversion मतलब कि कोई भी अपने धर्म को परिवर्तन करने के लिए अगर किसी को कोई फोर्स करता है तो यहाँ पे इसके अंदर फाइन और यहाँ पे इसकी बात की है कि जेल टर्म लगाया जाएगा। Which team become first team to score 500 runs on a day first test, तो ये किस कंट्री ने, किसकी टीम है, तो इंग्लैंड की टीम ने किया है और इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को यहाँ पे हराया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाई कोर्ट प्रोहिबिट द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स इन विच स्टेट टेंपल, तो ये जो है कहाँ पे, तमिलनाडु चेन्नई के अंदर जो है मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा किया गया है, इसके द्वारा मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा। विच ग्रुप बैग बिग टू रीडेवलप धारवी स्लम्स, तो धारवी स्लम्स जो है यहाँ पे इस ग्रुप में किसने, तो अडानी ग्रुप ने जो है यहाँ पे रीडेवलपमेंट पुनर्निर्माण करने के लिए यहाँ पे धारवी स्लम को अडानी गवर्नमेंट ने, अडानी ग्रुप ने हाथ मिलाया है। वैन इंटरनेशनल चीता डे सेलिब्रेट, तो चीता डे सेलिब्रेट कब हुआ है, तो ये जो है हम December 5 को चीता डे सेलिब्रेट करते हैं और 4 दिसंबर की बात करते हैं तो ये हमारा नेवी डे आ जाता है, कौन सा, इंडियन नेवी डे, और साथ में बैंक डे भी आता है, कौन सा, बैंक डे, ओके। नेक्स्ट बढ़ते, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी, तो हाल ही में न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी किसको बनाया गया है, तो ये संजय मल्होत्रा जी को हाल ही में न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाया है। फर्स्ट नेशनल कोस्टल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2022 हेल्ड इन विच सिटी, तो फर्स्ट नेशनल कोस्टल सिक्योरिटी कहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई है, तो ये चेन्नई के अंदर इस को मनाया गया है। और हम बात करते हैं कोस्ट लाइन की, किसकी, जब हम बात करते हैं कोस्ट लाइन की, तो इंडिया जो है तीन जगहों से जो है तीन साइड से पानी से घिरा हुआ, और कोस्ट लाइन की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में 757 किलोमीटर कोस्ट लाइन है, जिससे हमारा देश जो है नॉर्थ साइड से सॉरी साउथ साइड से घिरा हुआ है पानी से। फिर बात करते हैं मंथली पेंशन अमाउंट ऑफ डिफरेंटली एबल पर्सन वॉज रेज इन विच सिटी, तो कहाँ पे इसको किया गया है, तो ये तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। और हाल ही में जो है पर्सन विद डिफरेंटली एबल मतलब कि PWD बोलते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो हाल ही में मिनिस्ट्री बनाई है, किसने बनाई है, तो इनके लिए जो है मिनिस्ट्री बनाई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, किसके द्वारा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में इनके लिए जो है एक अलग से मिनिस्ट्री बने, जैसे कि आप देखते हो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जल शक्ति हर एक चीज़ के लिए मिनिस्ट्री होती है, तो इसके लिए इनके लिए भी बनाई गई है। फिर अब बात करते हैं विच बैंक वॉन द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड, तो ये बैंकर्स बैंक ऑफ द अवार्ड जो है ये ऑस्कर अवार्ड होता है, किसका, बैंकर का, बैंक्स का ऑस्कर अवार्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैंक्स का ऑस्कर अवार्ड बोलते हैं, और ये जो है कैनरा बैंक को मिला है, किसको मिला है, कैनरा बैंक को मिला है। विच द फर्स्ट ड्रोन स्टेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी विल बी इनॉग्रेशन इन विच स्टेट, तो हाल ही में जो है मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा फर्स्ट ड्रोन स्टेशन बनाया गया है, फर्स्ट ड्रोन स्टेशन बनाया गया है। और हम बात करते हैं आगे
ड्रोन की बात करते हैं तो हाल ही में जो है फर्स्ट ड्रोन सर्टिफिकेट किसको मिला है, तो ये गरुड़ एरोस्पेस को मिला है। किसको? गरुड़ एरोस्पेस को हाल ही में जो है वो ड्रोन सर्टिफिकेट, और ड्रोन की बात करते हैं तो इसके लिए इनको यहाँ पे सर्टिफिकेशन यहाँ पे मिल गया है कि एक्सेप्ट कर दिया है, तो गरुड़ स्पेस को मिला है। हु हैज नेम्ड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, तो किसको चेयरपर्सन बनाया है तो हाल ही में तो राजीव लक्ष्मण करण दिक्कर को बनाया गया है। फिर बात करते हैं हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ बैटिंग कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम बाय बीसीसीआई, तो किसको बनाया है तो ये बनाया है ऋषिकेश कांतिकर को। किसको? ऋषिकेश कांतिकर को बनाया। और बीसीसीआई के चेयरपर्सन या फिर डायरेक्टर की बात करते हैं कौन है, रॉजर बैनी। कौन है? रॉजर बैनी कौन है, इनके कह सकते चेयरमैन या फिर डायरेक्टर बोल सकते हैं, चेयरमैन या फिर डायरेक्टर या फिर अध्यक्ष जो भी। विच इज द मोस्ट सर्च कीवर्ड इन द गूगल सर्च के अंदर, सबसे ज्यादा कीवर्ड किसको सर्च किया गया है तो ये किया गया है आईपीएल को। किसको? आईपीएल को, इंडियन प्रीमियर लीग को सर्च किया गया है। फिर बात करते हैं माउंट सेमेरू वॉल्केनो इरप्टेड सेंडिंग बिलोइंग टू स्काई स्पार्कलिंग एवोकेशन, ये कहाँ पे हुआ है तो ये इंडोनेशिया के अंदर माउंट सेमेरू हाल ही में फटा है। इंडिया ओरिजिन वीना नायर वॉन प्राइम मिनिस्टर प्राइज इन विच कंट्री, तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्होंने जो है ये विन किया है, ठीक है। और इनको जो है एजुकेशन ऑफ द ईयर, एजुकेशन ऑफ द ईयर भी अवार्ड मिला गया है। किसका? सॉरी, एजुकेशन, एजुकेशन अवार्ड फॉर द ईयर ये भी इनको मिला गया है 2021 के अंदर, और ये भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही मिला था, ठीक है, वीना नायर जी को। विच कंट्रीज स्टार्टअप खेती रिसीव द प्रेस्टिजियस अर्थ शोट अवार्ड 2022, तो ये जो है इंडिया के खेती को स्टार्टअप को हाल ही में इनके अंदर पर्यावरण के अंदर अच्छा काम करने के लिए, पर्यावरण के अंदर जो है इन्वायरमेंट के अंदर जो है काफ़ी चीज़ें नई लाकर उसको किस तरह से प्रिजर्व करें उसके लिए इनको मिला ये प्राइज। फिर बात करते हैं विच कंट्री हैज नेम द साइक्लोन स्टॉर्म मैंडस, मैंडस को, मंडूस को या फिर मैंडस को बे ऑफ बंगाल के किसने जो है इस साइक्लोन नेम दिया है, तो ये दिया है यूएई ने दिया है, यूएई ने इसको जो है नाम दिया गया है मैंडोस, जो बे ऑफ बंगाल के पास में साइक्लोन आया है। फिर बात करते हैं हु ऑथर्ड द बुक ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, तो ये जो है किसके, विक्रम संपत के द्वारा जो है लिखी गई है ये बुक। और बात करते हैं तो हाल ही में जो पीएम मोदी को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, हाल ही में एक भेंट दी गई थी, गिफ्ट दिया गया था, बुक कौन सी बुक, तो द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये एक बुक है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं विच आईआईटी लॉन्च पावरलेस हीटिंग सिस्टम पावर्ड बाय वाटर, तो ये आईआईटी दिल्ली, कौन सी, ये आईआईटी दिल्ली के द्वारा जो है ये बिजली रहित हीटिंग सिस्टम किया गया है। विच आईआईटी रिसर्चर्स डेवलप द ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर, तो ये आईआईटी मद्रास है, कौन सी, आईआईटी मद्रास के द्वारा ये डेवलप किया गया है। फिर बात करते हैं मीना सुई चोई क्राउंड मिस अर्थ 2022, तो ये साउथ कोरिया की इनको हाल ही में ये मिला है, कौन सा, तो ये मिस अर्थ 2022 का क्राउन मिला है, ठीक है, साउथ कोरिया को। विच कंट्री विल कॉपरेट विद इंडिया ऑन द काजीरंगा प्रोजेक्ट, तो ये कौन करेगी साथ में, तो ये बात करते हैं फ्रांस के द्वारा क्या किया जाएगा, यहाँ पे कॉपरेट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, काजीरंगा कॉपरेट, काजीरंगा की बात करते हैं तो ये जो है असम के अंदर नेशनल पार्क है, कौन सा, असम के अंदर नेशनल पार्क है, और ये जो है फेमस किसके लिए, वन हॉर्न एक सींग वाला, एक सींग वाला जो है राइनो से ये प्रसिद्ध है, ठीक है। और आसाम के और बात करते हैं यहाँ पे तो हम बात करते हैं ओरांग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, फिर आता है मानस नेशनल पार्क,
ठीक है। इंडिया फर्स्ट गोल्ड एटीएम लॉन्च कहाँ पे हुआ, किस सिटी में? तो ये हैदराबाद की सिटी में लॉन्च हुआ इंडिया का फर्स्ट गोल्ड एटीएम। एनडीडीबी एंड अमूल विल गिव टेक्नोलॉजी टू विच कंट्री टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन, तो यहाँ पे किस कंट्री को देगा? तो ये ऑब्वियस श्रीलंका को जो है ये क्या करेगा, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा। जिंदल शेडेड ग्रुप टू सेटअप $3 बिलियन ग्रीन स्टील प्लांट इन विच सिटी, तो ये ग्रीन प्लांट सिटी कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ओमान के अंदर। कहाँ पे? ओमान के अंदर करेंगे। हु हैज अपॉइंटेड द चेयरमैन एंड एमडी चेयरमैन एंड एमडी ऑफ द भविन, भविन का हाल ही में किसको चेयरमैन बनाया? तो ये बनाया केवी सुरेश कुमार को। किसको? केवी सुरेश कुमार को बनाया है। विच नेशंस डीना बोलिटा टुक ओवर एज इट्स फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, तो ये पेरू की है। कहाँ की है? ये पेरू की जो है पीएम बनी है। द पीएम डेडिकेटेड हाउ मैनी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुष, तो यहाँ पे कितने जो है नेशनल आयुष इंस्टीट्यूट बनाया, बनाने की बोला है? तो ये 3 है। कितने? 3 इंस्टीट्यूट को डेडिकेट करा है। इंडिया एंड विच कंट्री डिक्लेयर्ड, इंडिया एंड विच कंट्री डिक्लेयर 6 एज अ मैत्री दिवस, तो यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो है बांग्लादेश के द्वारा मैत्री दिवस मनाया है। और हम बात करते हैं तो आसाम और बांग्लादेश, या फिर कह सकते हैं आसाम और बांग्लादेश जो है अपने जो है कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए और दोनों के जो रिलेशंस को कह सकते हैं हम तो उसको अच्छा बढ़ावा देने के लिए या फिर उनको इंक्रीज करने के लिए, उनका बॉन्ड रिलेशन बढ़ाने के लिए हाल ही में एक सिल्चर सिलेट फेस्टिवल मनाया। कौन सा? सिल्चर सिलहेट फेस्टिवल। ये आसाम और बांग्लादेश के बीच में जो है रिलेशंस को, रीजनल रिलेशंस को कह सकते हैं इंक्रीज करने के लिए और कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए इसको बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते। हु अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ONGC के, तो ONGC की बात करते तो ये अरुण कुमार सिंगला जी हैं। कौन है? अरुण कुमार सिंह जी को बनाया गया है। इंडिया इज टू ऑर्गेनाइज द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस इन विच कंट्री इन फेब्रवरी, तो ये बोलते हैं तो ये किसके? फिजी के द्वारा जो है यहाँ पे बनाया जाएगा वर्ल्ड का जो है हिंदी कॉन्फ्रेंस दिवस। आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट विल द फर्स्ट दिव्यांग डिपार्टमेंट बी एस्टेब्लिश, तो ये महाराष्ट्र के जो है द्वारा की जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको अभी बताया था। What percent of increase in UPI transaction raised in semi-urban and urban sector? तो यहाँ पे UPI transaction कितना बड़ा है? तो ये 650 के points के द्वारा, percentage के द्वारा increase हुआ है। उसके बाद credit card को increase किया और उसके बाद debit card को ये मतलब कि उनका follow किया गया है। ISRO is to develop satellite data infrastructure geo portal for which region? तो ISRO ने कहाँ पे किया है? तो ये लद्दाख के अंदर जियो लद्दाख के पोर्टल के नाम से किया है। जियो लद्दाख पोर्टल के नाम से हाल ही में किया गया है। फिर बात करते हैं फर्स्ट ड्रोन स्किल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच सिटी, तो कहाँ पे ड्रोन स्किल ट्रेनिंग स्किल होगी? तो ये चेन्नई के अंदर जो है फर्स्ट ड्रोन स्किल ट्रेनिंग होगी। फीमेल अंपायर्स विल ऑफिशिएट इन विच ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन क्रिकेट, तो यहाँ पे फीमेल अंपायर की बात करते हैं तो ये रणजी ट्रॉफी मिली जाएगी। क्या? रणजी ट्रॉफी मिली जाएगी। इंटरनेशनल पैकमा एशिया एक्सपो 2022 हेल्ड इन विच सिटी, तो इंटरनेशनल ये पैकमा कहाँ होगा? तो ये मुंबई के अंदर होगा। कहाँ होगा? मुंबई के अंदर होगा। और मुंबई की बात करते तो यहाँ पे जो है शायद्री FCP, मतलब कि यहाँ पे जो है प्राइवेट मंडी को हाल ही में दर्जा दिया गया है। शायद्री FCP को प्राइवेट मंडी का जो है दर्जा दिया गया है हाल ही में। फिर बात करते हैं हेल्थ कैंप अबू बुगिन होडम आर बेटर हेल्थ ऑर्गेनाइज बाय ट्राइबल मिनिस्ट्री इन विच स्टेट, तो ये कहाँ पे किया गया? ये झारखंड के अंदर हाल ही में किया गया है। और हम बात करते हैं ट्राइबल मिनिस्टर की तो कौन है हमारे? अर्जुन मुंडा जी। कौन है? अर्जुन मुंडा हमारे ट्राइबल मिनिस्ट्री है। और जो है ट्राइबल STs के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स जो होते हैं उनके लिए कमीशन भी बनाया हुआ है, नेशनल कमीशन
फॉर सेटल ट्राइब्स, जिसको आर्टिकल 338 ए के अंदर रखा गया है। ठीक है, ये शेड्यूल ट्राइब्स हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं, एन चंद्रशेखर अपॉइंटेड द चेयरमैन टू लीड द बिजनेस एजेंडा ड्यूरिंग विच ग्रुप्स मीटिंग, तो किस ग्रुप की मीटिंग को, यहाँ पे G20 की बात करता है, और G20 को हाल ही में इंडिया जो है क्या करेगी, उसकी प्रेसिडेंसी लेगी 2023 के अंदर। और हमारी थीम कौन सी रखी गई है, तो जब हम थीम की बात करते हैं तो ये रखी गई है वसुदेव कुटुंबकम। कौन सी? वसुदेव कुटुंबकम। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, ये हमारी थीम रखी गई है, और इससे पहले जो है बाली इंडोनेशिया ने हमारी क्या हुई थी, इसकी हुई थी, तो 2022 की बात करते हैं तो इसकी प्रेसिडेंसी बाली इंडोनेशिया में हुई थी। नेक्स्ट G7 की बात करते, ये ग्रुप 7 का ग्रुप है। एशियन की बात करते, ये क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का है। सार्क की बात करते हैं, किसकी, सार्क की बात करते हैं, तो यहाँ पे कौन कितने मेंबर हैं, तो ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, MBBS स्पेन। ठीक है, MBBS स्पेन, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, फिर आता पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 का जो है ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था, तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करते हैं, तो ये वाराणसी के अंदर हुआ था। कहाँ पे? वाराणसी के अंदर हाल ही में इसको किया गया था। विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव द बिल टू क्रिएट सफाई कर्मचारी कमीशन, को किसने जो है यहाँ पे बनाया, एक कैबिनेट अप्रूव किए, आसाम के द्वारा किया गया है। ठीक है, सफाई कर्मचारी कौन से है, जो कि आप देखते हैं कि जो गटर साफ करते हैं, और जो काफ़ी सारा जो है इनके अंदर हेल्थ की प्रॉब्लम्स आती है, इनके द्वारा इनकी डेथ भी हो जाती है, और ये कोई प्रिकॉशंस भी यूज़ नहीं करते हैं, तो उसके जो है उनको जो है क्या करना है, उनको बताना, अवेयरनेस बताने की किस तरह से आप जो है मटीरियल्स यूज़ करते, प्रिकॉशंस ले सकते हो, जिसके द्वारा जो है आपकी डेथ का जो दर कम हो, और जो है हेल्थ को लेकर साथ में चलें। Which country block oil tankers coming to India? तो किस कंट्री के द्वारा किया गया, टर्की के द्वारा जो हाल ही में ब्लॉक कर दिया गया है, किसके द्वारा, टर्की के द्वारा। जापान, ब्रिटेन एंड विच कंट्री जॉइंटली बिल्ड 6th जनरेशन फाइटर जेट्स की बात करता है, तो ये इटली के द्वारा यहाँ पे तीनों मिलके फाइटर जेट प्लेन बनाने की बात कर रहे हैं, जो कि 6th जनरेशन का। हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे किसको बनाया है, तो हाल ही में जो है मेघना अहलावत को मनाया है। किसको? मेघना अहलावत को मनाया है। फिर बात करते हैं यहाँ पे नबार्ड नेम हुम एज द न्यू चेयरमैन, तो नबार्ड ने किसको हाल ही में नया चेयरमैन बनाया है, तो ये बनाया है केवी शाहजी को बनाया है। किसको? केवी शाहजी को हाल ही में न्यू पीएम बनाया, सॉरी न्यू चेयरमैन बनाया है। DCGI अलाउड द एक्सपोर्ट ऑफ SII मेड इबोला वैक्सीन टू विच कंट्री, तो यहाँ पे किस कंट्री को, यहाँ पे युगांडा को यहाँ पे अलाउ कर दिया है DGCI ने भेजने को। फिर बात करते हैं सुष्मिता शुक्ला बिकेम द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द फेडरल रिजर्व ऑफ विच कंट्री, तो किस कंट्री के बने, तो USA के अंदर इनको मनाया गया है, सुष्मिता शुक्ला जी को वाइस प्रेसिडेंट। विच स्टेट गवर्नमेंट क्रिएटेड AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्रूव्ड जॉब स्किल पोर्टल, तो यहाँ पे जो है किसको, कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा इसको किया गया है। फिर बात करते हैं ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट, तो ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को हम ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ऑफ हाउ मच वर्थ हैज बीन सोल्ड ड्यूरिंग द 23rd फेज के दिन, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स कितने सोल्ड हुए हैं, तो ये बात करते हैं 676 करोड़, कितने सोल्ड हुए हैं, 676 करोड़। इन दिसंबर 2022 द RBI साइंड अ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद विच कंट्री, तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ में किया गया है, तो ये किया है मालदीव्स के साथ में। किसके साथ में? मालदीव्स के साथ में किया गया है।
फिर बढ़ते हैं, वॉट बैंक रिसीव द EAG अवार्ड फॉर द फाइनेंस सिक्योरिटी, तो किसके द्वारा किया गया, ये लिया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा EAG अवार्ड फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए मिला है। वॉट इज द पोजिशन ऑफ निर्मला सीतारमन ऑन द फॉर्ब्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड 100 मोस्ट अवार्ड, और इनको जो है ये फॉर्ब्स का जो अवार्ड है वो चौथी बार मिला है और इस बार इनकी रैंक 36th है। कितनी? 36th रैंक, और पिछली बार जो है कौन सी रैंक थी? 34th। ठीक है, फिर आता है स्वीडन अलॉन्ग विद द विच कंट्री स्टडी इंडियाज डिजिटल रोल आउट ऑफ द हेल्थ एश्योरेंस AB प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो यहाँ पे जो है नेपाल के अंदर क्या करेगी, इस स्कीम को डिजिटली रोल आउट करने की बात कर रहा है। विच बैंक अप्रूव्ड अ $780 million लोन टू एक्सपेंड चाइना मेट्रो, तो यहाँ पे किस बैंक ने, तो ADB के द्वारा किया गया है, ADB के द्वारा चेन्नई में मेट्रो रेल को पैसे दिया है $780 million का। विच कंट्री प्रिंटेड द फर्स्ट बैंक नोट विथ वुमेन सिग्नेचर, तो वुमेन के हस्ताक्षर पहले बैंक किसने जो है वो किया गया है, प्रिंट किया है, तो ये USA की गवर्नमेंट या फिर USA कंट्री के द्वारा इसको किया गया है। विच कंट्रीज लार्जेस्ट एंड द फोर्थ बिजनेस जेट टर्मिनल वॉज कमीशन कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये जो है हमारी इंडिया है, ऑब्वियसली इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोचिन है तो पता ही चल जाएगा आपको। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट अपॉइंटेड हुम एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NDDB, NDDB के मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के किसको बनाया, तो ये मनीषा सी शाह को बनाया, किसको, मनीषा सी शाह को बनाया है। और डेयरी डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसको व्हाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेयरी के अंदर डेयरी की बात करते हैं तो इसको जो हम क्या बोलते हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं, क्या, व्हाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन तो एग्रीकल्चर की बात करते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, किसकी, ब्लू रिवॉल्यूशन, तो ये जो है किसकी बात करता है, ये वाटर की बात करता है, किस तरह से हम पानी के द्वारा जो है यहाँ पे इंक्रीज करें प्रोडक्शन को। ओके, तो ये व्हाइट रिवॉल्यूशन डेयरी के लिए है, डेयरी सेक्टर के लिए, एनिमल हस्बेंड्री कह सकते हैं। और ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते तो किसकी है, ये एग्रीकल्चर की बात कर देते, और इसकी बात करते तो ये जो है एक्वेटिक, ठीक है, यहाँ पे इसकी बात करता है। फिर बात करते हैं विच स्टेट यूनियन टेरिटरी वॉज अवॉर्डेड फर्स्ट प्राइज इन आयुष्मान भारत हेल्थ के अंदर, किस स्टेट को लाला है, तो जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ पे रखा गया है। और हम बात करते हैं यहाँ पे जो है वो एक फ्लोटिंग बैंक है, कौन सा फ्लोटिंग बैंक कहाँ बना हुआ है, तो फ्लोटिंग बैंक जो है वो श्रीनगर में बना हुआ है, फर्स्ट फ्लोटिंग बैंक जो है वो कहाँ है, श्रीनगर के अंदर बना हुआ है। फिर बात करते हैं विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स क्लाइमेट चेंज मिशन, तो ये जो है केरला गवर्नमेंट के द्वारा, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा सॉरी बनाया गया है लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन। नोबल प्राइज डे इज ऑब्जर्व एवरी ऑन विच डेट, तो नोबल प्राइज डे कब मनाया जाता है, तो ये हर साल 10 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। फिर बात करते हैं हु वॉन द S&P प्लेट्स ग्लोबल CEO ऑफ द ईयर अवार्ड, तो यहाँ पे किसके द्वारा, तो यहाँ पे गुरदीप सिंह जी के द्वारा इसको वॉन किया है, इनको जो है जीता है इन्होंने। Which country's iSpace private company launched the world's first commercial moon lander? तो किसने जो है first commercial moon lander को launch किया? ये जापान के देश ने launch किया है। फिर बात करते हैं निहार मालवीय who has name as interim CEO of Penguin Random House belongs to which country? तो निहार मालवीय जो है वो इंडिया से belong करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है आपको। फिर आते हैं मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन विच स्टेट नेम मनोहर पारिकर मनोहर पारिकर, तो ये जो है पारिकर को गोवा के जो है यहाँ पे इनका रीनेम किया एज अ नेम एयरपोर्ट का। हाउ मैनी हिमालयन मेडिकल प्लांट रिसेंटली एंटर्ड IUCN रेड लिस्ट, तो यहाँ बात करते हैं तो कितनी है, तो 3 को बनाया गया यहाँ पे मेडिकल प्लांट, और यहाँ पे बात करते हैं तो हाल ही में हिमालयन याक को जो है वो क्या किया है, याक को फूड एनिमल घोषित किया गया है।
कि इसको क्या कर सकते हैं, हम खा सकते हैं, ठीक है। तो ये हिमालयन की बात। विच स्टेट वॉज अवॉर्डेड फॉर द टीबी कंट्रोल प्रोग्राम? तो टीबी कंट्रोल प्रोग्राम की बात करते हैं तो मेघालय को हाल ही में क्या मिला है, टीबी कंट्रोल के लिए अवार्ड मिला है। और हम बात करते हैं तो टीबी मुक्त अभियान, टीबी मुक्त भारत अभियान जो है, इसके द्वारा ये बोला गया है कि 2025 तक जो है वो जीरो टीबी करनी है। क्या करनी है? जीरो टीबी लेकर आना है, ठीक है। तो 2025 तक टीबी मुक्त भारत अभियान को कंप्लीट करना है। हु हैज रिसेंटली टेकन द ओथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज? तो सुप्रीम कोर्ट की जज, मतलब इन्होंने किसके द्वारा ओथ ली? दीपंकर दत्ता के द्वारा ली गई है। और अगर हम सीजीए की बात करते तो कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ हमारे, कौन है, कौन है सीजीआई है? हमारे कौन है ये? सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे एनवी रमन जी। कौन थे? इनसे पहले एनवी रमन जी थे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच कंट्रीज टीवी एक्टर देव जोशी इन डियर मून क्रू फॉर द स्पेस एक्स ट्रिप? तो यहाँ पे किस कंट्री के टीवी जो एक्टर है वो कौन थे? तो ईरान के द्वारा जो यहाँ पे क्या किया गया है, डियर मून क्रू के लिए यहाँ पे इनको ट्रिप पे भेजा गया है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया? तो ये अजय एच पटेल को बनाया है, ठीक है, सीनियर वाइस। और इसके यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात करते तो कौन है? तो पीटी उषा जी, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच नेशन बैन द बाइंग ऑफ द सिगरेट ऑफ एनी बडी बैन ऑन आफ्टर जनवरी 1st के बाद 2023 के बाद, किस कंट्री के द्वारा? तो ये जो है न्यूजीलैंड के द्वारा क्या किया गया, इसको बैन करने की बात की, ठीक है। न्यूजीलैंड की बात करते हैं, यहाँ के पीएम कौन है? तो यहाँ के पीएम की बात करें तो ये फीमेल है, जैसिंडा, ठीक है। और हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं, ये ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के अंदर आता है। जोए रूट बिकम विच प्लेयर टू स्कोर 10,000 टेस्ट रन्स की बात करते हैं तो किसके यहाँ पे? तो ये थर्ड प्लेयर बन गया है जोए रूट, ठीक है। फिर बात करते हैं, डॉक्टर पी सी रात वॉज इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ विच कंट्री? तो किस कंट्री के कार्डियोलॉजी सोसाइटी को बनाया? ये इंडिया के अंदर इनको इलेक्ट किया है। फिर हम बात करते हैं, हु हैज ऑनर्ड विद द 25th श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड? तो 25वां सरस्वती चंद्रशेखर नेशनल अवार्ड को किसको ऑनर किया है? तो ये वेंकई नायडू। किनको? वेंकई नायडू। विच कंट्री ब्लैकलिस्टेड 16 इंडिया फार्मर कंपनी इंक्लूडिंग बाबा रामदेव? तो किसने, कितनी जो है 16 कंट्री, किसके द्वारा किया गया? ये जो है नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा इनको बैन किया गया है, जिसके अंदर पतंजलि, बाबा रामदेव फार्मेसी को भी बैन किया है। सेला पास टनल इज बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी? तो सेला जो पास है वो कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। कहाँ पे? अरुणाचल। और कौन सा है अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पे कौन सा पास है? नामचा बरवा। ओके, तो ये यहाँ पे सबसे ईस्ट कह सकते हैं पॉइंट कौन सा है? नामचा बरवा। ये भी कहाँ? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चांसलर ऑफ द गतिशक्ति यूनिवर्सिटी? के फर्स्ट चांसलर किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये अश्विनी वैष्णव को किया गया है। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ नेशनल कैंपेन 1 week 1 lab? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है सी एस आई आर के द्वारा। विच स्टेट गवर्नमेंट क्रिएटेड 3 district, namely Tasmania, Newland एंड
चुमेकिदिया, ये नागालैंड की स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में 3 डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट इनके द्वारा बनाया गया है। फिर बात करते हैं द्वारे सरकार स्कीम ऑफ विच स्टेट हैज वॉन सेंट्रल डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022, तो किसके द्वारा, तो ये वेस्ट बंगाल के द्वारा इसको जो है यहाँ पे किया गया है, स्टेट वॉन द सेंट्रल डिजिटल इंडिया अवार्ड द्वारे सरकार स्कीम के वजह से। और बात करते हैं विच स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा फॉर रिमोट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे किस गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये ओडिशा के द्वारा। और ओडिशा में हाल ही में आमलान, कौन सी आमलान योजना, ये जो कौन सी है, ये है जो अनीमिया मुक्त के लिए बनाएगा, अनीमिया मुक्त अभियान के लिए। सीएम की बात करते हैं तो यहाँ पे हेमंत बसवा जी आपके कौन है, सीएम है, हेमंत बसवा जी सीएम है। जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर है। और हम बात करते हैं यहाँ पे एक स्कीम है प्रारंभ, कौन सी, ठीक है, ये भी जो है लॉन्च की गई है। आगे बढ़ते हैं, विच कंट्री बिकेम द न्यू फॉर्मल कैंडिडेट ऑफ द यूरोपियन यूनियन के, कौन जो है न्यू फॉर्मल कैंडिडेट बना है, तो ये बोस्निया बना है, बोस्निया बना है। नेशनल मैथमेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, तो किस दिवस जो है नेशनल मैथमेटिकल डे मनाया जाता है, तो ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है, किसकी याद में, ये रामानुजन की याद में, श्री रामानुजन की याद में ये हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल मैथमेटिशियन डे को। पीएम मोदी ट्रांसफर हाउ मेनी करोड़ टू द बैंक अकाउंट टू सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर द DAY नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो यहाँ पे जो है 1000 करोड़ रुपीस की बात करता है, इतना इन्होंने दिया है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच स्टेट सीएम रिलीज ओवर 20 करोड़ टू बेनिफिशियर्स अंडर द मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम स्कीम के अंदर फॉर प्रोवाइडिंग कंडीशनल ट्रांसफर टू द गर्ल चिल्ड्रन एट अ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लाइफ, तो यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है 20 करोड़ का बेनिफिशरी। विच स्पोर्ट हैज बीन इंक्लूडेड इन द खेलो इंडिया वुमेन टूर्नामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे बात करते हैं तो ट्रैक साइकिलिंग को हाल ही में दिया गया है, किसको, ट्रैक साइकिलिंग के स्पोर्ट को दिया गया है। और हाल ही में जो है अनुराग ठाकुर जो स्पोर्ट की मिनिस्ट्री, उन्होंने हाल ही में खेलो डैशबोर्ड भी लगाया गया, कौन सा, खेलो डैशबोर्ड को बनाया गया, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाएगी, ठीक है। विच इंडियन फिल्म हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ द टॉप 50 फिल्म ऑफ द वर्ल्ड, तो फोर ऑफ 50 के अंदर RRR को हाल ही में दिया गया है, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिर आता है मैरीटाइम लॉजिस्टिक आर्म ऑफ अबू धाबी नेशनल कंपनी एंड सिंगापुर बेस्ड AG&P साइंड एन एग्रीमेंट टू यूज लिक्विफाइड नेचुरल गैस कैरियर एज अ फ्लोटिंग स्टोरेज यूनिट इन विच कंट्री, तो ये इंडिया के साथ में करेंगे, इंडिया के साथ में हाथ मिलाया है। रिसेंटली विच स्टेट हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ मुख्यमंत्री आवास योजना ऑन द लाइन ऑफ द सेंटर, तो ये जो है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में किया गया है, किसके द्वारा, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है। टाटा मोटर्स टू बी द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ विच स्टेट ओपन फॉर द 50 ईयर इन अ रो, तो टाइटल टाटा मोटर्स ने कितना स्पॉन्सर, किसको स्पॉन्सर किया है, तो महाराष्ट्र को स्पॉन्सर किया है। स्मार्ट सिटी मिशन रिसीव प्लेटिनियम आइकन अवार्ड एट अ डिजिटल इंडिया अवार्ड इन विच ईयर, तो यहाँ पे जो है 2022 के अंदर इनको मिला है।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच चीफ मिनिस्टर पिनरे विजय ने विल इनॉग्रेट अ पाम लीफ मनुस्मृति म्यूजियम इन विच सिटी. तो किस सिटी में ये तिरुवनंतपुरम के अंदर लगाया गया है पाम लीफ म्यूजियम. फिर बात करते हैं विच कंट्री रिसर्च डेवलप द फर्स्ट एंटी कोविड स्टेनलेस स्टील. तो किस कंट्री के द्वारा रिसर्च की गई है, तो ये जो है हांगकांग के द्वारा किया गया है डेवलप फर्स्ट एंटी कोविड स्टेनलेस स्टील वैक्सीन. नेवी सेकेंड सबमरीन म्यूजियम इज बीइंग बिल्ट इन वेस्ट बंगाल. और फर्स्ट कहाँ पे है, तो ये फर्स्ट है विशाखापट्टनम में. कहाँ पे फर्स्ट है, विशाखापट्टनम के अंदर. ओके और हम बात करते हैं अहमदाबाद में, तो हाल ही में अर्बन ट्वेंटी जो है हाल ही में यहाँ पे इसको चलाया जाएगा. कहाँ पे, ये अहमदाबाद में हाल ही में अर्बन 20 इनिशिएटिव चलाया गया है. अ बिल टू अमेंड द शेड्यूल ट्राइब लिस्ट ऑफ विच स्टेट बीन पास इन लोकसभा. तो हाल ही में किसके द्वारा बिल अमेंड किया गया, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा एसटी सूची को संशोधन के लिए विधायक में भेजा गया है. नीति आयोग लॉन्च वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम फॉर इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स टू एक्सेस द इनोवेटिव इकोसिस्टम इन हाउ मैनी लैंग्वेज. तो ये जो है 22 लैंग्वेज के अंदर इसको एक्सेस किया गया है. ठीक है और हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं, तो हमारे शेड्यूल्स किसके अंदर, शेड्यूल्स के अंदर बात करते हैं, तो इसको शेड्यूल्स की बात करते हैं, तो 8 शेड्यूल में इसको डाला गया है. कितना, 8 शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है, जिसमें 22 लैंग्वेजेस हमारी डाली हुई है. ओके नीति आयोग की बात करते हैं, तो इसके हमारे चेयरमैन कौन होते हैं, तो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं इसके पीएम. कौन होते हैं, पीएम होते हैं. और नीति आयोग के द्वारा जो है इंडेक्सेस निकाला जाता है, जैसे कि इनोवेशन इंडेक्स और हम बात करते हैं गुड गवर्नेंस इंडेक्स. हेल्थ इंडेक्स, ये सारे इंडेक्स जो है किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा निकाले जाते हैं. इंडिया डिस्प्लेस विच कंट्री टू बी द थर्ड टॉप कंट्री होस्टिंग द यूनिकॉर्न. तो किसको डिस्प्लेस करेगी, तो इंडिया जो है यूके को डिस्प्लेस करेगी. कब, यूके को डिस्प्लेस करेगी. विच कंपनी कंडक्टेड द फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट इंडिजीनियसली डेवलप सरफेस टू सरफेस मिसाइल प्रलय विथ 150 to 500 किलोमीटर रेंज फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्टलाइन ऑफ ओडिशा. तो ये DRDO के द्वारा, DRDO के साथ मिलके इसको जो है फ्लाइट को टेस्ट करेगी. फिर बढ़ते हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी बिकम द ओनली यूनिवर्सिटी इंडिया टू गेट A++ ग्रेड मिला है. तो ये कहाँ पे, ये है अमृतसर के अंदर. कहाँ है, अमृतसर के अंदर है. और हम बात करते हैं हाल ही में जो है हमने जो है 26 दिसंबर को जो है, हाल ही में हमने जो है वो 26 दिसंबर को विजय बाल दिवस मनाया है. विजय बाल दिवस सेलिब्रेट किया है. ठीक है बढ़ते नेक्स्ट. डॉल्फिन सेंसस बिगिन एट विच स्टेट कोस्ट. तो ये कहाँ होगा, तो ये ओडिशा के स्टेट पे, स्टेट कोस्ट के ऊपर होगा. और डॉल्फिन की बात करते हैं, तो ये हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है. कौन सा है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल. ओके सेंटर अपॉइंटेड फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हेमंत गुप्ता एज अ चेयरमैन ऑफ विच स्टेट इंटरनेशनल आर्बिट्री काउंसिल. तो ये न्यू दिल्ली के अंदर इनको किया गया है अपॉइंट. फिर बात करते हैं इंडिया ओरिजन कृष्णा वेविलिया रिसीव द कंट्रीज प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. तो ये जो है हमारे USA गवर्नमेंट के ओरिजन है, ये सॉरी US के ओरिजन है कृष्णा वेविलिया, जिनको प्रेसिडेंट लाइफ टाइम अवार्ड मिला है. फिर बात करते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट ऑफ दिसंबर. तो कब सेलिब्रेट किया गया है, ये 15 दिसंबर को हमने सेलिब्रेट किया है. कब, 15 दिसंबर को. और क्या बात करते हैं नेशनल कंज्यूमर डे, तो ये हमने 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया था.
ओके. नेशनल कंज्यूमर डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट? तो ये 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया है. अपग्रेडेड लाइनर परमिट, लाइन परमिट सिस्टम पोर्टल कहाँ पे स्टेट में? तो ये जो है मणिपुर स्टेट के अंदर इसको हाल ही में किया गया है लॉन्च. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी अडॉप्टेड द फर्स्ट एवर रिजोल्यूशन ऑन विच कंट्री इन 74 ईयर्स? तो यहाँ पे किसके द्वारा जो है किया गया, ये म्यांमार के द्वारा इसको क्या किया है रिजोल्यूशन कंट्रीज 74 के बाद दिया गया है. अ यूनिक म्यूजिक प्रोग्राम डांस टू डीकार्बोनाइज कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? ये न्यू दिल्ली के अंदर किया जाएगा. कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर. फिर बढ़ते हैं, विच टाइप ऑफ कैंसर इज कॉज्ड बाय ह्यूमन पेपिलियन वायरस? तो किसके द्वारा? तो ये होगा सर्विकल कैंसर के द्वारा ये डिजीज कॉज होगी, ह्यूमन पेपिलियन वायरस HPV. Which actor has become the only India to feature on British magazine's list of 50 greatest actors? तो यहाँ पे किसको? शाहरुख खान को यहाँ पे एक्टर के अंदर इनको फीचर को डाला गया है. Which company launched international mission to survey Earth's water? तो यहाँ पे जो है कौन है, तो कौन सी है, ये नासा कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है. फिर बात करते हैं, विच कंपनी अर्न रुपीज 1100 करोड़ इन 5 years फ्रॉम फॉरेन लॉन्चेस? तो यहाँ पे बात करते हैं, तो ये इसरो के द्वारा किया गया है. विच बैंक आस्क रेजोर पे टू पॉज ऑन बोर्डिंग न्यू मर्चेंट? तो यहाँ पे किस बैंक के द्वारा किया गया है, तो ये RBI के द्वारा बोला गया है टू पॉज ऑन ग्रोइंग न्यू मर्चेंट्स को. RBI की बात करते हैं, तो यहाँ के गवर्नर, आई होप आप सभी को पता होगा, कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए, श्री गवर्नर की बात करते तो शक्तिकांत दास. शक्तिकांता आगे बढ़ते हैं. द यूनाइटेड नेशन हैज इंक्लूडेड विच प्रोग्राम इन द वर्ल्ड 10 रेस्टोरेशन नेचुरल प्रोग्राम? तो ये नमामि गंगे प्रोग्राम को हाल ही में नेचुरल प्रोग्राम के अंदर वर्ल्ड के 10 के रेस्टोरेशन में डाला है. Who plays Usain Bolt to top the list of the most written about athletes? तो यहाँ पे बात करते हैं, तो नीरज चोपड़ा को डिस्प्लेस किया है. हाँ, 3 bulk drug park are being set up in Gujarat, Andhra Pradesh and to help supply raw material pharmaceutical industry. तो हिमाचल प्रदेश और गुजरात और आंध्र प्रदेश ने 3 drug parks बनाने की बात की है. Which countries will be the first country to auction SATCOM spectrum? तो यहाँ पे बात करते हैं, तो इंडिया की कंट्री जो है यहाँ पे फर्स्ट कंट्री टू ऑक्शन द SATCOM स्पेक्ट्रम को क्या करेगी, ऑक्शन करेगी. वर्ल्ड बैंक रिवाइज इट्स 2022-2023 GDP फॉरकास्ट ऑफ इंडिया अपवर्ड टू व्हाट परसेंट फ्रॉम 6.5% टू 6.9% को किया गया है. ओके, फिर बढ़ते हैं, धर्मदान इन विच स्टेट बिकम द फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया? तो यहाँ पे बात करते हैं, तो केरला जो है बिकम द फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया. गुड गवर्नेंस डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द AP अटल बिहारी वाजपेयी को याद में जो है हम इस दिवस को मनाते हैं. फिर बात करते हैं, विच IIT डेवलप आर्टिफिशियल हार्ट टू डील विद द एक्यूट कार्डियक प्रॉब्लम? तो यहाँ पे बात करते हैं, तो किस IIT के, तो IIT कानपुर के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, आर्टिफिशियल हार्ट विद एक्यूट कार्डियक प्रोग्राम प्रॉब्लम्स. हु वॉज अवार्डेड एज द एकलव्य अवार्ड 2022? तो यहाँ पे एकलव्य अवार्ड स्वास्ति सिंह को मिला है. किसको? स्वास्ति सिंह को अवार्ड मिला है, एकलव्य अवार्ड. विच बैंक अमर्ज एज द लार्जेस्ट गोल्ड बायर अमंग द सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द ग्लोब? तो यहाँ पे किसको किया है, तो ये RBI ने जो है वो क्या किया है, गोल्ड बायर को क्या किया है, सारों को मर्ज किया है. फिर बात करते हैं, रेलवेज प्लान टू मॉडर्नाइज हाउ मैनी स्मॉल स्टेशन अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम? तो रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर कितने जो है वो यहाँ पे स्टेशन के अंदर सारे स्टेशन को मिलाने की बात की, 1000 की बात की है. ओके, फिर बढ़ते हैं आगे, हाउ मैनी कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ द संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन?
तो कितनी कंट्रीज है इसके अंदर, तो ये है 8 कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ द संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन. विच कंपनी हैंडेड ओवर द टेक्नोलॉजी ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम ECWC टू 5 इंडियन कंपनीज डिजाइन टू प्रोवाइड थर्मल इंसुलेशन बिटवीन +15 degree टू -50 degree सेल्सियस. तो ये DRDO कंपनी के द्वारा इस टेक्नोलॉजी को क्या किया जाएगा, यहाँ पे अपग्रेड किया जाए, हैंड ओवर किया गया है. हु हैज अपॉइंटेड द नेक्स्ट इंजीनियर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, तो किसको अपॉइंट किया है इंजीनियर इन चीफ, तो ये है जनरल अरविंद वालिया. किसको, जनरल अरविंद वालिया जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है. विच कंट्रीज नेवी फॉर्मली कमीशन द INS सिंधुवीर सबमरीन, तो ये जो है हमारे अंगोला की कंट्री की नेवी के द्वारा कमीशन किया गया है. फिर बात करते हैं विच IIT वॉन वॉर्टन QS रेमिजन एजुकेशन अवार्ड 2022, तो ये जो है IIT मद्रास के द्वारा किया गया है, ये अवार्ड वॉन किया गया है. फिर हम बात करते हैं मिनिस्ट्रीज की, तो मिनिस्ट्रीज की बात करें तो डिफेंस के मिनिस्टर कौन है, तो हमारे श्री राजनाथ सिंह जी हैं. मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन की बात करते हैं, अमित शाह जी हैं. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, मोर रोड ट्रांसपोर्ट के नितिन जयराम गडकरी जी हैं. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की बात करते हैं, कौन है, निर्मला सीतारमन जी हैं. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स की बात करते हैं, तो कौन है, श्री नरेंद्र सिंह तोमर. कौन है, श्री नरेंद्र सिंह तोमर. एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करते हैं, तो ये सुब्रमण्यम जयशंकर. ट्राइबल मिनिस्ट्री अर्जुन मुंडा. फिर बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट और माइनॉरिटी अफेयर्स के, कौन है, तो ये है स्मृति जुबिन ईरानी. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की पीयूष गोयल. मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ये तीनों के कौन है मिनिस्टर, हमारे पीयूष गोयल जी हैं. कौन है, पीयूष गोयल जी हैं. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी हैं. डेवलपमेंट स्किल एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी धर्मेंद्र प्रधान जी हैं. फिर बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोल और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ये तीनों कौन है, प्रहलाद जोशी जी इनके मिनिस्टर है. कौन है, प्रहलाद जोशी जी इनके मिनिस्टर हैं. मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदिक योगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की बात करते हैं, तो यहाँ पे श्री शर्बनान सोनवाला जी यहाँ पे कौन है, इनके प्राइम मिनिस्टर हैं. और MSME की बात करते तो नारायण टट्टू राणे जी इनके मिनिस्टर हैं. फिर बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की, तो श्री गिरिजा सिंह जी यहाँ के क्या है मिनिस्ट्री है. पंचायती राज की बात करते हैं तो ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आया था, अमेंडमेंट के द्वारा, श्री गिरिराज सिंह जी. सिविल एविएशन के ज्योतिराव सिंधिया जी. मिनिस्ट्री ऑफ स्टील भी श्री ज्योतिराव सिंधिया जी हैं. फिर आता है रेलवे के, और बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और मीटी के, रेलवे मीटी और कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो अश्विन वैष्णव जी मिनिस्ट्री मिनिस्टर जो हैं आ जाते हैं. फिर बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, श्री पशुपति कुमार पारस. जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं. मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस श्री किरण रिजिजू है. और पावर की बात करते हैं और रिन्यूएबल MNRE की बात करते हैं तो कौन है, राजीव कुमार सिंह जी हैं. ठीक है, फिर बात करते हैं पेट्रोलियम नेचुरल गैस और हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, पेट्रोलियम गैस एंड हाउसिंग अर्बन अफेयर्स की बात करते हैं तो हरदीप सिंह पुरी जी वहाँ के क्या है मिनिस्ट्री हैं. फिर केमिकल फर्टिलाइजर की बात करते हैं और वेलफेयर की बात करते हैं, हेल्थ और वेलफेयर, मनसुख मांडवी जी हैं, मनसुख मांडवी जी हैं. फिर बात करते हैं एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और मिनिस्टर ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, ये कौन है, भूपेंद्र यादव. कौन है, भूपेंद्र यादव जी हैं. हैवी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो महेंद्र नाथ पांडे. कौन है, महेंद्र नाथ पांडे मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री के हैं. मिनिस्टर ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी की बात करते तो श्री पार्षोत्तम रूपाला जी हैं. फिर बात करते हैं यहाँ पे कुछ सेक्रेटरीज है, जैसे कि डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधार अरमाने, रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा जी, फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रे जी हैं. ठीक है, विनय मोहन क्वात्रे जी, इनसे पहले कौन थे, हर्षवर्धन जी थे. कौन थे, हर्षवर्धन जी थे, जिनको क्या किया है, जिनको हाल ही में चीफ कोऑर्डिनेट बनाया G20 का. ठीक है,
फिर बात करते हैं इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी अजय सेठ, फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथ कौन है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन जी। ओके, तो सेक्रेटरी कौन है, टीवी सोमनाथ। फिर बात करते हैं एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी वियतनाम, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा कौन है, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा जी है। फिर बात करते हैं होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला, अजय कुमार भल्ला होम सेक्रेटरी हैं। चीफ स्टैटिस्टिकियन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो जी समंता है, कौन है, जीपी समंता। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की बात करते हैं वी अनंत नागेश्वरा, कौन है, वी अनंत नागेश्वरा। और चीफ कोऑर्डिनेट ऑफ G20 की बात करते तो हर्षवर्धन श्रृंगला जी हैं, कौन है, हर्षवर्धन श्रृंगला जी हैं। कुछ एक्सरसाइज की बात करते हैं, संप्रीति और बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ होती है, मैत्री और शक्ति की बात करते हैं और सिलनेक्स की तो श्रीलंका के साथ होती है, मैत्री एक्सरसाइज और कॉर्पट थाईलैंड के साथ, विज्रपर्यार युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रंप और कोप इंडिया यूएस के साथ ये एक्सरसाइज होती है, और नोमेडिक एलिफेंट खान क्वेस्ट किसके साथ होती है, तो ये होती है मंगोलिया के साथ, किसके साथ, मंगोलिया के साथ। फिर बात करते हैं गरुड़ शक्ति की, तो गरुड़ शक्ति किसके साथ होती है, ये होती है इंडोनेशिया के और फ्रांस के साथ होती है, शक्ति गरुड़ होती है और कौन सी होती है, वरुण होती है, ठीक है। नेपाल की बात करते हैं तो धर्मा गार्जन, ठीक है, और सहयोग खजिनी और जिमैक्स होती है। फिर बात करते हैं चाइना की, तो चाइना के साथ सूर्य किरण होती है, ओके, चाइना के साथ सॉरी हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है, और नेपाल के साथ तो है वो सूर्य किरण होती है। सिंगापुर की बात करते तो कौन सी होती है, सिम्बैक्स होती है, कौन सी, सिम्बैक्स होती है। और खंजर की बात करते तो ये किसके साथ होती है, किर्गिस्तान के साथ होती है, ठीक है। और काजिंद की बात करते ये काजिकिस्तान, काजिंद की बात करते तो ये कजाकिस्तान होती है, ओके। फिर बात करते हैं लामिती एक्साइज साइचल्स के साथ होती है, ईस्टर्न ब्रिज की बात करते तो ओमान के साथ होती है, किसके साथ, ओमान के साथ होती है। और हाल ही में ओमान के साथ कौन सी हुई, और कौन सी होती है, नसीम अल बरा, कौन सी, नसीम अल बहर भी इनके साथ होती है। पासेक्स की बात करते तो रशिया के साथ होती है, उद्र शक्ति और हरायमो शक्ति की बात करते तो मलेशिया के साथ होती है, कौन सी, उद्र शक्ति और हरायमो शक्ति। विनबैक्स की बात करते हैं वियतनाम, पिच ब्लैक और ऑस्ट्रिया हिंद ऑस्ट्रेलिया के साथ, पिच ब्लैक और ऑस्ट्रिया हिंद ऑस्ट्रेलिया के साथ होती है। अब फेस्टिवल्स की बात करते हैं, लोसोंग फेस्टिवल सिक्किम, लोसा स्पूति ग्यूस्टर जो है कहाँ होता है, तो ये लद्दाख के अंदर होता है, खजुराहो डांस और मांडू ये मध्य प्रदेश के अंदर होता है, कौन सा, खजुराहो डांस और मांडू डांस। फिर बात करते हैं मेदाराम जथरा बोनालू बत्तुकम ये कहाँ होता है, तेलंगाना के अंदर, कहाँ, तेलंगाना के अंदर फेस्टिवल मनाया जाता है। फिर बात करते हैं मरु महोत्सव गंगोर ये कहाँ होता है, तो राजस्थान के अंदर होता है, कहाँ पे, राजस्थान के अंदर होता है। कंछोट हरत लैवेंडर फेस्टिवल इंडिया का फर्स्ट जम्मू कश्मीर में होता है, और वर्ल्ड एशिया का सबसे जो है वो ट्यूलिप गार्डन लार्जेस्ट कहाँ है, तो ये कहाँ है, ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर है। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं हाल ही में जो है पहली बार जो है वो ट्राइबल विंटर फेस्टिवल बनाया है, और एक फेस्टिवल है कौन सा, सोन जाला, ये फेस्टिवल भी कहाँ मनाया, ये भी जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं ये टोरगिया फेस्टिवल है। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो दौल उत्सव जत्रा ये वेस्ट बंगाल के अंदर है। सरहुल फेस्टिवल की बात करते तो ये झारखंड में मनाया है। सिरहुली लिल्ली और शुमांग लीला की बात करते हैं तो ये कहाँ है, ये है मणिपुर में। बाइकू और कटी बिहू, क्या, बाइकू और कटी बिहू कहाँ है, तो ये आसाम के अंदर है। त्रिपुरा की बात करते तो कराची कौन सा यहाँ पे फेस्टिवल, तिरुपरी में खर्ची फेस्टिवल सॉरी मनाया जाता है। नाग मिर्ची और किंग चिल्ली फेस्टिवल ये नागालैंड में, और कौन सा है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, कौन सा है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। गुजरात की बात करते तो बेस्तु वर्षा गुजरात के अंदर एज अ न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए आज का सेशन यही रहेगा, आई होप आप सभी को ये पसंद आएगा, और प्लीज जो है इस सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए।
तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नए साल के, नए वर्षगट की। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय द डे, और इस अगले साल को जो है एक ऐसा रिवॉल्यूशन ले जो है आपके जो है क्या करेगा, आपको जो है आगे बढ़ाएगा और जो है प्रगति करते रहे, इसी तरह से खुश रहते रहे। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।